हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लिनोवो एट प्लस फ़ोन के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने लिनोवो एट प्लस को ओरियो में अपडेट नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही बढ़िया एक फ़ीचर ऐड हुआ है। तो वो फ़ीचर क्या है मैं आपको पहले सेटिंग पे जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सेटिंग पे चला गया और फिर यहाँ पर ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस पे जाने के बाद एडवांस पे क्लिक किया, फिर स्पेशल ऐप एसेस पर क्लिक किया। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है पिक्चर इन पिक्चर। ये ऑप्शन क्या है तो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो सिंपल मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करके बाद आपको यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्रोम है, डुओ है, गूगल प्ले मूवीज़, गूगल प्ले सर्विस, इंस्टाग्राम मैप्स, तो यह सब एप्लीकेशन यहाँ पर है। तो इन सभी एप्लीकेशन से क्या कर सकते हैं और क्या फ़ायदा है इस पिक्चर इन पिक्चर ऑप्शन का, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है लिखा हुआ है क्रोम, तो मैं यहाँ पर सिंपल जो क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं कोई एक एप्लीकेशन जो है ले लेता हूँ, और सॉरी एक वीडियो जो है इस यहाँ से एक प्ले कर देता हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर प्ले कर दिया। तो यहाँ पर मैं सिंपल जो है इस वीडियो को देख रहा हूँ, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो इसका क्या फ़ायदा है देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ कि इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम जो इसको फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो जो है फुल स्क्रीन पर हो चुका है। अब सिंपल में क्या करना है देखिए, इस फीचर का क्या फ़ायदा है। यहाँ पर मैं सिंपल होम बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये जो वीडियो है बैकग्राउंड में चलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मैं कोई भी कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ और वीडियो को मैं यहाँ से कट भी कर सकता हूँ। तो मैं वीडियो देख देख कर मैं दूसरी काम भी जो है यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, और यहाँ से आप इस वीडियो को यहाँ पर कट कर सकते हैं या फिर फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये था इस PIP मतलब पिक्चर इन पिक्चर फीचर का जो फ़ायदा है। तो आप इस फीचर को जो है यूज़ कर सकते हैं ऑडियो अपडेट करने के बाद। और यहाँ पर काफ़ी जो है यहाँ पर एप्लीकेशन जो है दिखाई दे रहा है, तो ये जो जितने भी एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन पर अभी भी काम जो है नहीं कर रहा है। तो मैं सिंपल व्हाट्सअप पर दिखा सकता हूँ, व्हाट्सअप काम कर रहा है। तो व्हाट्सअप में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं दिखा नहीं सकता, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अपने फ्रेंड के साथ या फिर किसी के साथ भी आप वीडियो चैट कर रहे हैं, तो उस समय आप अगर होम बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना, तो होम बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो जो वीडियो कॉलिंग चल रहा होता है वो वीडियो कॉलिंग जो है बैकग्राउंड में, जैसे आपको मैं पहले यूट्यूब का वीडियो भी दिखाया था, उसी तरह से आपको इस साइड में जो है आपको दिखने को मिलेगा। तो ये बैकग्राउंड में चलेगा, आप किसी के साथ भी वीडियो चैट कर सकते हैं, दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो ये था पिक्चर इन पिक्चर फीचर का फ़ायदा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, और इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।